इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इट इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डेविसन और जर्मर ने डी ब्रॉय हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। आइए समझते हैं डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। डी ब्रॉय ने हाइपोथेसिस दिया था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तब उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू प्लैंक कॉन्स्टेंट बाय मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, यानी कि एच अपॉन पी। यहाँ पर पी मोमेंटम है और पी को हम इस रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं पी इज इक्वल्स टू होता है पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 mE, जहाँ पर ई होती है एनर्जी और ई को लिख सकते हैं हम ई वी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिख दिया, जहाँ पर एम है मास ऑफ द पार्टिकल, ई है चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड वी है अप्लाइड वोल्टेज या पोटेंशियल, एच है प्लैंक कांस्टेंट। अब देखते हैं इसको किस तरीके से डेविसन एंड जर्मर ने वेरीफाई किया था। तो यहाँ पर देखेंगे ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगी और इस इलेक्ट्रॉन बीम को वोल्टेज देने के लिए यहाँ पर ये स्लिट लगाई गई है, जहाँ पर वोल्टेज होगा ये वी। इस वोल्टेज को हम इस रियोस्टेट से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बैटरी है तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन गन है जिस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन बीम निकिल क्रिस्टल पर जाकर इंसिडेंट होती है। ये है निकिल क्रिस्टल, इस पर जाकर के इंसिडेंट होती है और यहाँ पर लगाया गया है एक डिटेक्टर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम ये यहाँ पर जाकर इंसिडेंट होती है और ये यहाँ पर आती है तो हम इसको डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो डिटेक्ट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर चेक करते हैं हम इंटेंसिटी। अब इस निकिल क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, तो बेसिकली निकिल एक ऐसा क्रिस्टल है जिसका अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है एटम्स का। देखेंगे ये निकिल क्रिस्टल है, इसके जो एटम होते हैं ये रहे इस तरीके से लेयर बाय लेयर, और निकिल क्रिस्टल के एटम की जो बीट की डिस्टेंस होती है वो होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये डिस्टेंस यानी कि दो लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है। ये हम यहाँ पर इसको स्टडी क्यों कर रहे हैं क्योंकि जब यहाँ पर बीम आती है तो लेयर में क्या होता है, बेसिकली वो इंसिडेंट होती है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है और कुछ पार्ट ट्रांसमिट, फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये बीम जब यहाँ पर गई थी तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, ये बीम कुछ तो पहली एटॉमिक लेयर से रिफ्लेक्ट होकर के और कुछ दूसरी एटॉमिक लेयर से डिफ्रैक्ट होकर आई यहाँ पर। अब जब यहाँ पर आए तो बेसिकली यहाँ पर हो गया डिफ्रैक्शन और इस डिफ्रैक्शन के लिए हम जानते हैं ब्रैग्स लॉ, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d 2d sin थीटा, ये कहलाता है ब्रैग्स लॉ। अब बेसिकली जब यहाँ पर ये दो बीम यहाँ पर आई, यहाँ से ये निकिल क्रिस्टल की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो जब ये डिटेक्टर पर ये बीम आती हैं तो बेसिकली यहाँ पर होता है डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इन दोनों बीम्स के बीच में, रेस के बीच में होता है इंटरफेरेंस और उस इंटरफेरेंस को चेक करने के लिए यहाँ पर हमने लगाया डिटेक्टर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बीम की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है हम उसको चेक करते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर डिफरेंट वोल्टेज लगाएंगे और यहाँ पर डिफरेंट इंटेंसिटी चेक करेंगे, जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी उसी को कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें पता है जब रेज यहाँ से गई और यहाँ से गई तब यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा क्योंकि जब जब दो रेज सुपर इम्पोज होती तब वहाँ पर क्या होता है, इंटरफेरेंस। तो बेसिकली इन रेज को हम इस डिटेक्टर से मेजर करते हैं और जहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो पूरे में यहाँ पर। तो इस वोल्टेज को बार बार चेंज करते हैं और बार बार यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी देखते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारे यहाँ पर वोल्टेज उसने अप्लाई किए थे लेकिन एक स्पेसिफिक वोल्टेज 54 वोल्ट पर, जब यहाँ पर हमने 50 वोल्ट अप्लाई किया तब उस सिचुएशन में यहाँ पर एंगल कितना था, ये 50 डिग्री, स्कैटरिंग एंगल कितना था, ये 50 डिग्री, इस पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज ये वाला कितना था, ये 54 वोल्ट, और ये एंगल स्कैटरिंग एंगल पर जब इसको हमने रोटेट किया तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितने में मिली, 50 डिग्री पर, ये वाला एंगल कहलाता है स्कैटरिंग एंगल और ये वाला होता है ग्लांसिंग एंगल। ये और ऑलवेज रिमेम्बर, ये वाला एंगल और ये ग्लांसिंग एंगल बराबर रहने चाहिए, जितना एंगल ये हो उतना ही ये हो। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस वोल्टेज पर और इस एंगल पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली तो हमने यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन हुआ उसके लिए यूज किया ब्रैग्स लॉ का, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। थीटा एक ग्लांसिंग एंगल है, ये बीच वाला एंगल कौन सा है, फाई स्कैटरिंग एंगल, ये तो 50 था। जब देखेंगे ये 50 तो ये कितना है, स्ट्रेट लाइन 180,
तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। अब 180 में से 50 गया तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा ये 130। 130 का हाफ कितना हो जाएगा, ये 65, यानी कि ग्लांसिंग एंगल कितना हो गया 65, और ये भी कितना होगा 65। अब देखेंगे हमारे पास में ये एटॉमिक लेयर, ये डिस्टेंस कितनी है, डी 0.91 एंगस्ट्रॉम, और ये हमको पता होता है निकल क्रिस्टल के लिए फिक्स होती है, 2D वैल्यू पता है हमको, साइन थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू, जब हमने इसको रोटेट किया था डिटेक्टर को, तो यहाँ पर पहली मैक्सिमा मिली, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है मैक्सिमा और मिनिमा होती है। तो यहाँ पर कौन सी मैक्सिमा मिली रोटेट करने पर, पहली मैक्सिमा, इसलिए यहाँ पर एन इज इक्वल्स टू 1 पुट करने पर। जैसे ही हमने इसको सोल्ड आउट किया, तब ये आ गया थीटा हो गया 65 डिग्री, डी हो गया 0.91 एंगस्ट्रॉम, और ये 2 है ही, तो यहाँ से वेवलेंथ आ गई, और ये वेवलेंथ किसकी थी, इस इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर जो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन के इसके साथ में अगर ये वेव थी, तब उसकी वेवलेंथ आ गई लैम्डा इक्वल्स टू 1.65 एंगस्ट्रॉम। अब ये कैसे पता लगा कि ये इलेक्ट्रॉन की ही है, या इससे किस तरीके से वेरीफाई किया, तो हमारे पास में जो ये फॉर्मूला था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन 2 mev, जैसे ही हमने यहाँ पर ये वाला वोल्टेज 54 वोल्ट यहाँ पर पुट किया, तो डी ब्रोगली की जो वेवलेंथ थी वो और ये लगभग सेम ही आई। दैट मीन्स अगर ये वाला वोल्टेज हम यहाँ पर पुट कर दें, ई क्या है, चार्ज है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच है प्लैंक कॉन्स्टेंट, यानी कि नियरली ये सभी वैल्यूज हमको पता है सब कॉन्स्टेंट है, और ये क्या है अप्लाइड वोल्टेज ये। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया, तो क्या देखा कि ये वाली जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस, तो ये वाली वेवलेंथ इस वेवलेंथ से मैच की नियरली, थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंस था लेकिन मैच कर गई। इसी तरीके से डेविसन एंड जर्मर ने डी ब्रोई हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ ब्रैक्स लॉ ये वेरीफाई कर दिया था कि जो डी ब्रोई हाइपोथेसिस है ये क्या है, ठीक है। थैंक यू।